अभी क्वेरी क्या बिल्कुल, रहता आप था आपके बोल लिए? रहे टाटा। अभी सर क्वेरी ये हाँ, है कि टाटा स्टील से रिलेटेड सर, टाटा स्टील कि इसीलिए टाटा लिया कि जमशेदपुर के रहने वाले हो या कोई और रीजन था? सर बहुत रिस्पेक्ट है सर टाटा कंपनी के लिए, ऐसे तो हाँ, कोई तो ये नहीं था, लेकिन सर उनका जो भी एक फंडामेंटल एनालिसिस सर मैंने टेक्निकल भी किया था, और इसमें टाटा स्टील ने जैसे कि अभी ये कर दिया है अपना प्राइस बिल्कुल से 1/10 में स्प्लिट कर दिया था, तो एक अपॉर्चुनिटी तो था कि टाटा स्टील, बहुत पहले से भी मन था कि टाटा स्टील में थोड़ा पोर्टफोलियो बनाया जाए, अच्छे अमाउंट में शेयर्स लिए जाए, तो उस टाइम पे तो नहीं हो पाया था क्योंकि काफी तगड़ा शेयर था और मैं छोटा मोटा ही इन्वेस्ट करती हूँ लाइक, तो अभी मैंने इसमें 1,000 शेयर लिया सर, अभी करंट लेवल पे लिया है, मतलब ठीक है, 107 पे ही लिया है, यस तो बैंक इसमें शॉर्ट मैं टर्म, लॉक टाटा नहीं, स्टील लॉन्ग टर्म, है लॉन्ग ना टर्म जी सर रजत दा? यस बैंक शॉर्ट टर्म तो बढ़िया रहा भाई, 14 रुपए का फाइनली 16, 16.25 का भाव भी दिखाया मुझे। और टाटा स्टील, एक तो मेरा सेंटिमेंट अटैचमेंट था, जमशेदपुर से हूं मैं, और वैसे मैंने इसके टेक्निकल फंडामेंटल भी देखे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ना? देखिए आशीष, जहाँ तक टाटा स्टील का सवाल है, अगर आपने इसको आपने इसको लंबी अवधि मतलब पोजीशनल ट्रेडिंग एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए रखेंगे सोचा है, टाटा स्टील अपना 1100, पहले तो 1100 रुपया में उसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग हुआ करता था, अभी 10 10/1 स्प्लिट होने के बाद में 110 के लेवल पे इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ये सस्टेन करने से ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की गुंजाइश है, जबकि बाजार भी साथ दे रहा है, तो हो सकता है कि 110 पार करके ये ऊपर की तरफ चले आ रहे, ऊपर की तरफ जब चलेगा 125 से लेके 135-40 के बीच में इसमें काफ़ी सप्लाई आने की संभावना है, अगर वहाँ तक ये पहुँच जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और आपके लिए आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत क्लोज स्टॉप लॉस रखेंगे तो 104 के नीचे क्लोज करने से आपको स्टॉप करना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा इसको लीवे देना मांगते हैं, पोजिशनल ट्रेड लिया है तो 98, लेकिन 98 के नीचे कोई कारण से चला जाता है तो आप ये अगर बहुत लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो वो सब स्टॉप लॉस आपको दिखना नहीं है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब कुछ महीनों में ही आप इसको निकाल देंगे तो 98 के नीचे जाने से आपको उससे निकल जाना बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर वो अपना नीचे का लेवल टेस्ट कर लेगा। तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस इज अबाउट 104 और पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस 98, ये मान के चलिए, ऊपर में 125 से 140 के बीच में एक बार एटलीस्ट पार्टली प्रॉफिट बुक कर लीजिए।